नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा वो है एनालिचिंग या गुदा में खुजली, लैट्रीन के रस्ते खुजली, वो जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं इसको प्रूराइटस एनआई। और ये आज बहुत ही आम समस्या है क्योंकि मेरे क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, सर हमें लैट्रीन के रस्ते बहुत खुजली है। और यदि आप इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराते तो इसके इन फ्यूचर बहुत कॉम्प्लिकेशन है, जैसे इन फ्यूचर में आपको फीसर्स हो जाएंगे, फिस्टुला बन जाएगा, या पाइल्स बवासीर बन जाएगी, या गुदा के रस्ते गांठ बन जाती है। तो इसका समय रहते इसका ट्रीटमेंट कराइए। आज आपको मैं इस वीडियो में इसके कारण बताऊंगा और सबसे बेस्ट 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। और जो मेडिसिन बताऊंगा आपको सिम्टम्स के आधार पर आपको चूज करनी है, क्योंकि जो ये मेडिसिन मैं आज आपको बता रहा हूँ सिम्टम्स के आधार पर इसलिए बताता हूँ क्योंकि अलग अलग कारणों से इचिंग होती है, क्योंकि इसमें एक कारण तो है नहीं, कम से कम बहुत कारण होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो आपको कारण है पहले तो आपको कारण ढूंढना है, फिर उसी के कारण जो मेडिसिन निकल के आती है वही मेडिसिन आपको होम्योपैथिक फार्मेसी पर जाना है और वो मेडिसिन यूज करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर सचिन तोमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं कारणों की। देखिए इसके बहुत कारण है, मैं आपको कुछ इसमें कारण बता देता हूँ। सबसे पहले आता है कि यदि आप वहां पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हो, मतलब आप स्टूल जाने के बाद, सोच जाने के बाद वहां पर साफ सफाई नहीं करते हो, अच्छी तरह धोते नहीं हो, तो उसका भी कारण है एनालिचिंग का। नेक्स्ट है यदि आप वहां पर टाइट कपड़े पहनते हो, मतलब जींस पहनते हो या ऐसे कपड़े पहनते हो जिसकी वजह से वहां पर एयर नहीं जा रही है और वहां पर पसीना आता है, उसकी वजह से भी एनाल में इचिंग होती है। नेक्स्ट है यदि आपकी डाइट में ऐसे ही गरम मसाला है, या आप ज्यादा जंक फूड खाते हो, या ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हो, तो उसकी वजह से भी इचिंग होती है। नेक्स्ट है यदि आपको ऐसी कोई बीमारी है जैसे पाइल्स है, फिस्टुला है, फिक्सर्स है, इसकी वजह से भी इचिंग होती है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है कारण, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन जरूर निकल के आता है। तो यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है इसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है। यदि आपको आईबीएस है, आईबीएस भी एक बीमारी होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है या आईबीएस है तो उसके लिए आप मेरी जो वीडियो लिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए और जो मैंने मेडिसिन बताई है वो इस्तेमाल करिए। या आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम जैसे कोई एक्जिमा हो गया है या फंगल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी एनाल इचिंग हो जाती है। यदि आपको कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज है या थायराइड है, जोंडिस है, कैंसर है, तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसकी वजह से भी एनाल में इचिंग होती है। या इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से भी एनाल में इचिंग हो जाती है, जैसे डायरिया हो गया, दस्त लग गए, उसकी वजह से भी हो सकता है, या पेट में वर्म हो गए, कीड़े हो गए, क्योंकि बच्चों में ज्यादातर पेट में कीड़ों की वजह से ही एनाल इचिंग होती है। तो ये ऐसे कुछ कारण थे, आपको सिर्फ कारण ढूंढना है। देखिए सबसे पहले आपको कारण ढूंढना पड़ेगा, कारण के अकॉर्डिंग ही आपका इलाज होगा, क्योंकि जो होम्योपैथिक है वो सिम्टम्स के आधार पर चलेगी। आज इस वीडियो में आपको मैं सिम्टम्स के आधार पर ही मेडिसिन बताऊंगा। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। देखिए मैं आपको जो 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूं उसके लिए आपको आपके सिम्टम्स नोट करने हैं कि कौन से किस कारण के कारण आपको एनाल इचिंग हुई है, गुदा में खुजली हुई है। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है टेक्यूरियम, और जो सारी मेडिसिन है आपको 30 में लेनी है। तो पहली मेडिसिन है टेक्यूरियम 30, ये आपको तब यूज करनी है जब आपके पेट में कीड़े हैं। यदि कीड़ों की वजह से आपको एनाल इचिंग है तो आपको ये मेडिसिन यूज करनी है, और इसकी 2-2 बूंद दिन में आप 3 बार यूज करना, हफ्ते 10 दिन में आपके जो एनाल इचिंग है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो कीड़े हैं पेट के वे निकल जाएगी। सेकेंड मेडिसिन है नक्सोमिका। नक्सोमिका आपको तब यूज करनी है जब आपको पाइल्स हैं, बवासीर है और कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स भी हैं और कॉन्स्टिपेशन भी है, तो तब आपको नक्सोमिका यूज करनी है। और नक्सोमिका वही 30 में आपको यूज करनी है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। थर्ड मेडिसिन है रेथानिया। रेथानिया आपको 30 में लेनी है, और ये तब यूज करनी है जब एनाल फीसर्स हैं। जब आपको एनाल फीसर्स हैं तो आप ये मेडिसिन यूज करना, इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार। फोर्थ मेडिसिन है सल्फर। सल्फर भी आपको 30 में लेनी है, ये तब यूज करनी है जब आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो एनाल में, जैसे एक्जिमा है या सोराइसिस है या फंगल इन्फेक्शन है। जब स्किन प्रॉब्लम की वजह से इचिंग है एनाल में,
तब आपको सल्फर यूज करनी है। और नेक्स्ट मेडिसिन है लास्ट साइलिसिया। साइलिसिया आपको तब यूज करनी है जब आप स्टूल जाते हो, जब आप लैट्रिन जाते हो, सोच जाते हो, तो लैट्रिन करते वक्त या लैट्रिन करने के बाद आफ्टर स्टूल आपको एनालिचिंग होती है, तो आपको साइलिसिया यूज करनी है। और साइलिसिया की भी वही 30 डोज यूज करनी है, और इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार। तो जो मैंने आपको ये मेडिसिन बताई, ये मेडिसिन कम से कम 15 दिन यूज करना। 15 दिन के बाद मुझे लग रहा है कि आपकी जो एनालिचिंग है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके साथ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखें, वहां पर एक तो पसीना ना आए, क्योंकि ज्यादा टाइट कपड़े मत पहनना, और वहां पर पसीना आए तो आप वहां पर ज्यादा हार्ड स्केचिंग ना करें, मतलब खरोचिए ना। सबसे बड़ी बात है, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वे क्या करते हैं, जब खुजली होती है तो नाखून से फाड़ देते हैं, क्योंकि वहां बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, इसलिए खरोचिए मत। और वहां पर ज्यादा गीला ना रहने दे, और ऐसी साबुन का यूज मत करें, कॉस्मेटिक का ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। और नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन नहीं होना है, मतलब कब्ज नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आप जितना हो सके फाइबर खाइए, और जो मैंने वो बताई है मेडिसिन बताई है वो यूज करना है आपको। तो ऐसे कुछ ये आप ध्यान रखोगे, ये मेडिसिन लोगे, तो मुझे उम्मीद है जो आपको एनालिचिंग है ये 15 दिन या महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब भी कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है आपको, तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है इस पर अपना जो भी सवाल है आपके मन में, वो सवाल जो क्वेश्चन है वो लिखकर भेज दीजिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर 101% दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।